डिंडोरी में जिला पंचायत अध्यक्ष के नेतृत्व में ओला पीड़ित किसान 100% मुआवजे की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि फसल का जो सर्वे किया गया है उसे निरस्त कर पुनः सर्वे कर 100% किसानों को मुआवजा दिया जाए। जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्तिया के नेतृत्व में किसान आंदोलन का आयोजन किया गया। इस आंदोलन में गाड़ासरई और आसपास क्षेत्रों के ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रुदेश परस्ते शासन प्रशासन पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश की वजह से किसानों की फसलें खराब हो गई हैं, जिसके बाद प्रशासन ने गांव-गांव जाकर खेतों में सर्वे का नुकसान रिपोर्ट को तैयार किया, लेकिन 100% नुकसान होने के बाद भी सिर्फ 30 से 40% फसल के नुकसान का मुआवजा देने की बात की जा रही है। अतः मांग करते हैं कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के नुकसान का किसानों को 100% मुआवजा दिया जाए और जो सर्वे किया गया है उसे निरस्त करके पुनः सर्वे किया जाए। पिछले महीने 19 तारीख को बेमौसम बारिश हुई और बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुआ, जो पूरे डिंडोरी ज़िले के हर एक नागरिक को पता है, हर एक अधिकारी कर्मचारी को पता है और कलेक्टर महोदय के द्वारा, ज़िले के सभी अधिकारियों के द्वारा, तहसीलदार पटवारियों के द्वारा खेतों में जा जाकर फसल का निरीक्षण भी किया गया, लेकिन 100% फसल नुकसान होने के बावजूद भी जब मुआवजा बनाने की बात आई तो उन्होंने लगभग 35% 40% 53-52% की बात कर रहे थे और हमने जब रिकॉर्ड देखा उन्होंने 50% तक ही मुआवजा बनाया है। आज हमारे क्षेत्र के सभी किसान मांग करने के लिए यहाँ आज आए थे कि उनको, जिनकी फसलें 100% नुकसान हुई है उनको पूरा पूरा 100% का 100% मुआवजा दी जाए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।